हेलो एवरीवन, टीचिंग जॉब समर चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस चैनल पे डेली बेसिस पे जितना भी टीचर्स का रिक्रूटमेंट होता है वो मैं डेली अपलोड करता हूँ। एंड हम लोग का ये फेसबुक एंड टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, वहाँ से आप लोग जुड़ जाइए फॉर द लेटेस्ट टीचिंग वैकेंसी। तो आज का जो वैकेंसी आया है वो है आर्मी पब्लिक स्कूल APS से आया है। वहाँ पे PGT, TGT, PRT ऑल सब्जेक्ट्स के लिए वैकेंसीज अवेलेबल है। एंड यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट यहाँ पे आप लोगों को CTET और CSB नॉट मैंडेटरी। मतलब आप लोग के यहाँ पे अगर CTET एंड CSB क्लियर नहीं है तो फिर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी मैक्सिमम 40,000 से आ सकता है। सो चलिए बाकी देखते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो ये देखिए हम लोग का ऑफिशियल वेबसाइट में हम लोग आ गए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है APS लखनऊ। तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो नोटिस सेक्शन में है यहाँ पे देखिए एक स्क्रीन डाउन जा रहा है, वहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग को PDF मिल जाएगा। तो आप लोग PDF में देख लीजिए, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि क्या क्या सब्जेक्ट्स है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए आप लोग का जो आया है ये है हम लोग का टाइम्स ऑफ इंडिया से आया है, 17 जून को आया है। तो आप लोग मतलब आप लोग के पास बहुत टाइम है अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे सब्जेक्ट्स क्या क्या है देख लेते हैं। सब्जेक्ट है PGT फिजिक्स, उसके बाद TGT इंग्लिश, मैथ, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, उसके बाद TGT काउंसिलर, PRT, बहुत सारे टीचर्स है सभी के लिए। देखिए PGT फिजिक्स के लिए आप लोग का जो है मास्टर डिग्री रहना चाहिए, उसके बाद BEd आप लोग को होना चाहिए, उसके बाद TGT के लिए आप लोग का BEd एंड मिनिमम आप लोग का 50% मार्क्स रहना चाहिए विद ऑल ओवरेज एजुकेशन सर्टिफिकेशन में। उसके बाद TGT काउंसिलर में भी आप लोग का BA साइकोलॉजी में रहना चाहिए, उसके बाद PRT में भी BEd रहना चाहिए PRT। उसके बाद आर्ट कोच के लिए भी आप लोगों को ग्रेजुएशन लेवल में इतना सारा वैकेंसीज रहना चाहिए, एलिजिबिलिटी रहना चाहिए। उसके बाद आप लोग का जो एज क्राइटेरिया है वो है हम लोग का फ्रेश कैंडिडेट, जिन लोग के पास एक्सपीरियंस नहीं है उन लोग बिलो 40 एज के अंदर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग को और भी बहुत सारा कुछ क्राइटेरिया है, आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे एक एप्लीकेशन फॉर्म है, ये एप्लीकेशन फॉर्म लोग को आप लोग को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आप लोग को क्या करना है, उसको फिल करने के बाद आप लोग को यहाँ पे क्या करना है, ईमेल नहीं करना है, ईमेल आप लोग नहीं करेंगे यहाँ पे, एज़ बिकॉज़ यहाँ पे बोल दिया गया है। देखिए यहाँ पे लाइन देखिए, ईमेल थ्रू विल ईमेल एप्लीकेशन थ्रू ईमेल विल नॉट बी एक्सेप्टेड, दैट मीन्स आप लोग को एप्लीकेशन ईमेल से नहीं थ्रू हो जाएगा। आप लोग को क्या एक DD डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा विथ 100 रुपीज़ का, एंड आप वो किसका फेवर में रहेगा, प्रिंसिपल APS SP मार्क लखनऊ। तो इसका ऊपर में आप लोग को डिमांड ड्राफ्ट बना के आप लोग को बाई पोस्ट हार्ड कॉपी विथ ऑल डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को, ये जो इसका जो एड्रेस है इस एड्रेस में यहाँ पे देखिए SP नग नियर टोपाखाना बाजार लखनऊ कैंट, इस एड्रेस पे आप लोगों को भेज देना है विथ ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड दिस ये वाला एप्लीकेशन जो फॉर्म है आप लोगों को भेज देना है। एंड आप लोगों का जो ऑफिशियल इंटरव्यू होगा यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे एंड आप लोग यहाँ पे देख लीजिए कि आप लोग क्या क्या बोला गया है। एटलीस्ट एट सेट पेपर वन आप लोग को मैंडेटरी रहना चाहिए, मतलब आप लोग को जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रहना ही चाहिए। उसके बाद सेंड बाय द पोस्ट नॉट एप्लीकेबल विल एक्सेप्ट बाय द ईमेल, मतलब आप लोग ईमेल थ्रू करेंगे तो आप लोग को एक्सेप्टेबल नहीं होगा, आप लोग को बाय पोस्ट भेजना पड़ेगा। एंड सेंड DD फॉर 100 रुपीज़ पेबल एट द बैंक, मतलब आप लोगों को जो फेवर ऑफ प्रिंसिपल जो स्कूल का एड्रेस है इस स्कूल का अकाउंट में आप लोगों को डिमांड ड्राफ्ट बना के आप लोगों को एक भेजना है विद ऑल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। आप लोगों को ये जो पूरा एप्लीकेशन फॉर्म है ये प्रिंट आउट करा के आप अपना अपना डिटेल्स फिलअप करने के बाद आप लोग इजीली इसको मेल कर सके आप लोग इजीली इसको बाय पोस्ट भेज सकेंगे। सो थैंक यू एवरीवन एंड डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू, बेस्ट विशेस फॉर यू।